आपको सच बताएंगे, लेना न लेना वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। वर्जन फाइबर के साथ में बॉडी, इसकी लाइट जो है हम रात में भी आपको जला के दिखा देंगे, पूरा स्पोर्ट बाइक की तरह लाइट इसकी रोड पे पड़ती है। अगर होगा ओरिजिनल तो कलर यही आएगा, क्योंकि कामा का थीम कलर है, कामा की ये थीम है। हाँ, ये चेंज नहीं हो सकता, ये कलर चेंज अगर है तो यहाँ पर एक के फॉर कामा और उसका एस इंजन सीरीज नंबर है और यहाँ पर बार कोड लगा है कामा का, ये दिख रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है किसान साथियों, अगर कामा ओरिजिनल होगा तो यहाँ बार कोड होगा, यानी बार कोड मतलब स्टीकर नहीं, बॉडी में ही बार कोड है, मतलब लोहे के ऊपर बार कोड है, ठीक है ना। यहाँ बार कोड होगा, इसको स्कैन करिए, कामा ओरिजिनल है कि नहीं पता। यहाँ किसान भाइयों, आज महुआ इंडस्ट्रियल सूरत गुजरात में आया हूँ, आईमेक कंपनी में। किसान भाइयों, यहाँ पे जो पावर टिलर है ना, पूरे भारत के पावर टिलर से सबसे दमदार क्वालिटी की पावर टिलर आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मिलाता हूँ आईमेक कंपनी के ओनर से। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल सफल किसान में। नमस्कार दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पधारे, और आपके सभी व्यूअर को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप पधारे इसलिए। किसान भाइयों, इतनी दूर से चलकर यहाँ पर आया हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको यहाँ पे पावर टिलर की एक से एक बार जो जेन्यून कॉन्टेंट है, जो रियलिटी है पावर टिलर की, वो जानकारी अब इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो सर, आप अपने बारे में कुछ किसान भाइयों को बताइए। विपिन भाई, पहले तो आप इतनी दूर से चल के आए, उसके लिए आपका आभार, और आपके सभी व्यूअर को मेरा एक बार फिर से प्रणाम। मित्रों, हमारी कंपनी का नाम है आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर जी। स्थित है हमारी कंपनी महुआ इंडस्ट्रियल इस्टेट, डिस्ट्रिक्ट सूरत, जिला सूरत है, राज्य गुजरात है, स्टेट गुजरात है, और कंपनी हमारी 1999 से कॉर्पोरेट है, यहाँ पर स्टेबल है। हाँ। और हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे, ऑल इंडियन रेलवे, बीएसएफ, फायर ब्रिगेड, नेवी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पावर ट्रांसमिशन है, पावर ग्रिड है, डिफेंस मिनिस्ट्री। उसके बाद धीरे धीरे हमारी कंपनी एग्रीकल्चर के सेक्टर में नए नए आविष्कारों को लेकर, नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर, जैसे हम जापान की यात्रा किए, ताइवान की यात्रा किए, विभिन्न राज्यों में जाकर, वहाँ पर विभिन्न देशों में जाकर हम वहाँ देखते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी देखते हैं कृषि क्षेत्र में, क्योंकि जो देश हमसे आगे हैं उनसे हमको सीखना चाहिए। विभिन्न भाई, सीधी सी बात यह होती है कि अगर आप मुझे किसी क्षेत्र में आप आगे हो तो आपसे मुझे सीख लेनी चाहिए, कुछ गुण हमारे अंदर बढ़िया है तो आपको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि सीखने से ही जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन आगे बढ़ना बंद, ये मेरा मानना है। और ये बातें हम अपने सभी स्टाफ, अपने सभी इंजीनियर, सभी स्टाफ, जितने भी हैं मार्केटिंग पर, सबको ये चीज समझाते हैं, भैया सीखना जारी है। हाँ। जीवन का अंत है, सीखने का अंत नहीं, सीखने का अंत नहीं। बिल्कुल सर। तो सर, ये जो मॉडल आप देख पा रहे हो, इस मॉडल के बारे में किसान भाइयों को जानकारी दीजिए पूरी। देखिए सर, पावर वीडर में, जैसा कि आपको बताऊं, पावर वीडर में भारत में सर्वप्रथम मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था, जैसे ब्रश कटर हो गया, चैंस हो गया, ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में चलता था, रेलवे में, बीएसएफ में, फार्म में। इसको लोकल मार्केट में किसानों के लिए पैडी सपोर्ट और पैडी गार्ड लगाकर हम ही ले आए थे। उसके बाद धीरे धीरे जो नए नए इन्वेंशन होते गए, हम मार्केट में उतारते गए। उसके बाद तो आप देखेंगे 575,000 कंपनी अपने आप को कंपनी बोल रही है मार्केट में, और ठीक है, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो किसानों को बरगला कर परेशान करें, आप ये सारी चीजें समझ रहे हैं। तो ऐसी बातें यहाँ नहीं होती, यहाँ पर न ग्राउंड तैयार किया जाता है, न फील्ड तैयार की जाती है, ऑन द स्पॉट अगर कोई भी न्यूज एंकर आ गया तो ऑन द स्पॉट ऑन द फील्ड। आज देखिए, बारिश था, दो दिन वेट किए, नहीं बारिश रुका तो हम कीचड़ में ही खड़े हो गए, ठीक है ना, बिल्कुल कीचड़ में खड़े हो गए, हमको कोई फील्ड तैयार करने की जरूरत, जबकि ये काली मिट्टी है और चिकनी मिट्टी है, चिकास मिट्टी है, हम स्लिप करते हैं, कितनी जगह हम आप स्लिप कर चुके हैं, ठीक, गिरते गिरते बचे हैं। तो ये सब जेन्युइन प्रोडक्ट है दोस्तों, कि आपके व्यूअर को बताऊंगा, मित्रों, किसान भाइयों, आपको आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर द्वारा जो भी प्रोडक्ट मिलेगा और बिल्कुल जेन्युइन होगा, सत्य पर आधारित होगा, किसी प्रकार का झूठ का सहारा नहीं लिया जाएगा, हम आपको सच बताएंगे, लेना न लेना वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन मशीन की कार्य क्षमता, मशीन की क्वालिटी, जो कुछ भी बताऊंगा उस पे मैं बिल्कुल कायम रहूंगा मरते दम तक, और जो चीजें बताऊंगा उतना उपयोग आपको आपके खेतों में जाने के बाद मिलेगा, ये मेरा दावा है। अब जैसे इसकी बात करें विपिन भाई, ये है माइक्रोजेट कंपनी का। अब देखिए, कामा भी बगल में ही खड़ा है, माइक्रोजेट भी बगल में ही खड़ा है, ठीक है ना। कामा ओरिजिनल है, माइक्रोजेट ओरिजिनल है। माइक्रोजेट इंडिया में इसलिए कोई आयात नहीं कर रहा है क्योंकि कामा से महंगा पड़ता है माइक्रोजेट। माइक्रोजेट जो है इंजन, माइक्रो पंप का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो माइक्रो कंपनी जो है बहुत पुरानी कंपनी है, कोई आज की कंपनी नहीं है, और यह डीजल इंजन का ही बादशाह है, डीजल इंजन का माहिर है बनाने। माइक्रोजेट जो है कामा से भी ज्यादा हाई क्वालिटी है, कामा से भी ज्यादा उसका उमदा काम है। तो ये 7.5 HP, भविष्य में हम इसको 12 HP 10 HP में भी लाएंगे, लेकिन अभी क्योंकि बहुत महंगा तैयार होता है, बहुत रॉ मटेरियल इसका महंगा पड़ता है, इसलिए हम 7.5 HP में माइक्रोजेट लॉन्च कर रहे हैं। भविष्य में किसान अगर ने सहयोग दिया तो ये मशीनें हम 12 HP 10 HP में किसानों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर इसको पसंद किया तो रीजन ये है कि सब कुछ पसंद आएगा उनको, सिर्फ रेट नहीं पसंद आएगा, रेट इसका थोड़ा महंगा है, लेकिन फिर भी
हम मार्जिन इस पे दाल में नमक होता है ना विपिन भाई, दाल में नमक बराबर ही मार्जिन लेकर किसान तो पहुंचाएंगे, लेकिन माइक्रोजेट मार्केट में पहुंचाएंगे जरूर किसानों को, क्योंकि ये आज तक के जितने भी पावर वीडर में डीजल इंजन है सबका बादशाह है माइक्रोजेट। तो ये 7.5 HP ओरिजिनल माइक्रोजेट इंजन है, 7.5 HP यहाँ पे दिखा दीजिए, थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है ना, ठीक है ना। माइक्रोजेट यहाँ गियर बॉक्स पे भी दिखा दीजिए, यहाँ पे क्लियर दिखेगा गियर बॉक्स पे। किसान साथियों मैं बताऊंगा आपको मित्रों, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कैमरे में, माइक्रोजेट इंजन, माइक्रोजेट गियर बॉक्स के साथ में डीजल इंजन, हाइपोथिक वन सिलेंडर, एयर फोर्सेड एयर कूल्ड इंजन, 32 ब्लेड विपिन भाई रोटावेटर इसमें दिया है। एक ब्लेड का वजन विपिन भाई 400 ग्राम है जी, इसको वजन करेंगे 400 ग्राम, 32 ब्लेड का रोटावेटर विद साइड डिस्क, फ्रंट व्हील है, और ये जो देख रहे हैं रिसाइकल फाइबर नहीं है जी, ये ओरिजिनल, जैसे फाइबर प्लास्टिक दो प्रकार से बनते हैं, एक पुराने प्लास्टिक को गलाकर फिर से बनाया जाता है, ये रिसाइकल फाइबर नहीं है, ये वर्जन फाइबर है। वर्जन फाइबर के साथ में बॉडी, इसकी लाइट जो है हम रात में भी आपको जला के दिखा देंगे, पूरा स्पोर्ट बाइक की तरह लाइट इसकी रोड पे पड़ती है बिल्कुल क्लियरली। दो फॉरवर्ड यहाँ कार टाइप का गियर लीवर दिया गया है विपिन भाई, एस्केलेटर टोटल यहाँ पर है जी, 2 फॉरवर्ड 1 रिवर्स विथ सेल्फ स्टार्ट, यहाँ पर देखेंगे तो आपका डबल की मिलता है आपको, दो चाबी के साथ में मिलता है, ठीक है ना। और ये यहाँ से सेल्फ स्टार्ट होगा ये, ठीक है आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ में, और यहाँ पर देखेंगे आप तो ये 36 एम्पियर की बैटरी, 36 एम्पियर की बैटरी हम दे रखे हैं जी। फेंडर जो विपिन भाई ये डबल इसलिए देते हैं, कभी हम कीचड़ में खड़े हैं जी, कीचड़ में चलाएंगे, पानी में चलाएंगे तो उड़ के बहुत ऊपर न आए, ठीक है ना। तो ये फेंडर डबल दिया गया है, डबल फेंडर यूनिक के साथ में हैवी हिच, अच्छा यहाँ पर देखें ये हिच जो है वो है भी है, ट्रॉली लगा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर स्टेनलेस स्टील पीछे दिया गया, इसके ऊपर रीपर चला सकते हैं आप, डायनमो चला सकते हैं, वाटर पंप, कोई भी औजार रीपर पे चला सकते हैं, सेम इसी मॉडल में जी। सेम इसी मॉडल में रीपर वहाँ फिट है, आपको दिखा देंगे विपिन भाई, जरा आप आ जाइए। तो किसानों को थोड़ा सा कीचड़ की वजह से हम मशीनों को आगे पीछे नहीं कर पा रहे हैं जी, क्योंकि बहुत ज्यादा हम खुद कीचड़ कीचड़ हो जाएंगे जी। सेम इंजन है माइक्रोजेट, ठीक है ना, यहाँ पे दिखा दीजिए जरा कैमरे से, सेम 7.5 HP जो आपने अभी वहां देखा ट्रॉली में लगा हुआ है वही है, सेम इंजन है, रीपर इसमें फिट किया हुआ है, माइक्रोजेट टेक्नोलॉजी ऑफ जापान, मार्शल 300D। आपके व्यूअर्स से मैं निवेदन करूंगा, वीडियो देखिए तो मॉडल जरूर बताइए कौन सा मॉडल आपको चाहिए, ये मार्शल 300 है, मार्शल 300 है, 7.5 HP। अब यहाँ देख रहे हैं पीटीओ पे फर्स्ट क्लास रीपर अटैच हुआ है, फर्स्ट क्लास का रीपर जो है इसका अटैच हुआ है, इसको आराम से आप गेहूं, दाल, ज्वार, बाजरा, मकई, सरसों आदि प्रकार के तमाम प्रकार की फसलों को बेहद आसानी से काट सकते हैं। और इसका बैलेंसिंग जो बोलते हैं बैलेंस, ठीक है ना, इसका बैलेंसिंग आप यहाँ पे देखिए, हमको दो उंगली से दबाएंगे जो बैलेंस होता है रीपर में, हाँ आ जाइए जरा नजदीक आइए जी, यहाँ पर देखिए पकड़ के जाइए, यहाँ पे हमको ये देख रहे हैं बैलेंस जी, ये बैलेंस, क्योंकि रीपर को चलाते समय आपका जो है बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप चलाएंगे इसको तो ये जमीन में रगड़ रगड़ के चलाएंगे तो आपका आगे का जो ये सारी चीजें घिस जाएंगी जी, कोई पत्थर टकरा गया यहाँ प्लेट पे तो पत्थर टूट जाएगा। तो आज तक रीपर कम वीडर, मैंने रीपर वीडर में रीपर लगाने के बाद आज तक कोई कंपनी बैलेंस नहीं दे पाई जी। वो क्या करते हैं फिर यहाँ पर लोहे का कुछ यहाँ वजन रखेंगे जी, बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे लोहा बांधेंगे, ये करेंगे वो करेंगे जी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, हम बात कर रहे हैं आपके सामने, और यहाँ पर देख लीजिए बैलेंस, जरा वहाँ आगे दिखा दीजिए बैलेंस देखिए, ठीक है ना। बैलेंस जो है इसको अगर हमको चलाना है तो हम क्या है शरीर का हल्का सा अपना वेट ऐसे रख दिए, आई अपने आप मस्त चलेगा, जमीन से टकराएगा नहीं, बिल्कुल बेहतर तरीके से सारी फसलों की कटाई करेगा, बहुत यूनिक तरीके से। सेम इंजन है माइक्रोजेट मार्शल 300 विथ रीपर अटैचमेंट, अब यहाँ ये दिखा देता हूँ, सेम यहाँ पर खड़ा है जो ट्रॉली में लगा हुआ है। अब ये पूरा कीचड़ में किसान साथियों हम वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि विपिन भाई बहुत दूर बिहार से आए हुए हैं, अब ये देख रहे हैं सेम इस पे आप रीपर आराम से, जैसा कि आपको हमने दिखाया इसी मॉडल पे रीपर फिट हो जाएगा, हैंडल 360 डिग्री इधर आ जाएगा, रीपर फिट करिए, वाटर पंप तमाम प्रकार के। और इसकी कीमत की अगर बात करें जी, तो रीपर अटैचमेंट के साथ में अगर कोई किसान फसल कटाई का सीजन आ रहा है, धान कटाई की तुरंत 110% 1,15,000 के नीचे आज तक बिका नहीं है माइक्रोजेट इंजन जो भी अभी लॉन्च हुआ, जब से अभी तो समझिए कि 1.5 महीने हो गया सेल हो रहा है लगातार, 1,15,000 में सेल हुआ है। लेकिन आप इतनी दूर से आप बिहार से आए मनोज भाई, आपके स्वागत में हम 10,000 का डिस्काउंट देंगे, 1,05,000 में रीपर अटैचमेंट के साथ में माइक्रोजेट भारत में कहीं भी मंगवा लीजिए जी, भारत के किसी भी शहर राज्य देहात गांव से हैं आप मंगवा सकते हैं। ट्रॉली इस पे बेहतरीन चलती है, अभी आपने देखा ही ट्रॉली फर्स्ट क्लास इस पे कीचड़ में हमने चलाया है, और अभी इसका रोटावेटर लगाकर अभी वीडियो के अंत में हम चलाकर डेमो भी आपको दे देंगे, वो वीडियो आप लगा दीजिएगा, किसानों को समझ आएगा। तो अगर मात्र पावर वीडर मंगाना है तो उसके लिए हम 65,000 से 70,000 लोग बेच रहे हैं हमारे डीलर, बट यहाँ से आपको 60,000 रुपये में डोर डिलीवरी,
सिर्फ वीडर, रीपर नहीं चाहिए, ओनली वीडर चाहिए, 32 ब्लेड रोटावेटर के साथ में, टूल की टूल पाना पूरा कंप्लीट सेट, तो 60,000 रुपए में घर बैठे आपके घर पे पहुंचा के देंगे। ये मॉडल रीपर नहीं लेना चाहते, केवल रोटावेटर, रोटावेटर और वीडर लेना चाहते हैं कंप्लीट सेट, तो 60,000 जी, ठीक है ना, 60,000 में घर तक पहुंचा के देंगे। और सर यहाँ पे ये मॉडल देख पा रहा हूँ, ये सर कामा ओरिजिनल जी, कामा जो बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि ये ढक्कन जो ये सामने का फ्रंट है ये जो दिख रहा है आपको विपिन भाई आप भी गौर करिए, ये गोल्डन कलर है, ठीक है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं कामा लिख देते हैं ऐसे जी, छाप देते हैं कामा और बोलते हैं काले कलर का रहेगा, लाल कलर रहेगा, बोलेंगे कामा है। कामा अगर होगा ओरिजिनल तो कलर यही आएगा, क्योंकि कामा का थीम कलर है, कामा की ये थीम है। हाँ, ये चेंज नहीं हो सकता, ये कलर चेंज अगर है तो ओरिजिनल कामा नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अच्छा। वो दावा करने की बात अलग है। देखिए क्या होता है, किसी भी कंपनी का उसका कलर एक उसका थीम कलर होता है, वो थीम होता है, उसको चेंज नहीं करता है। ओरिजिनल कामा, और ओरिजिनल कामा होगा तो खासियत बता देता हूँ आपको, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर मनोज भाई, यहाँ देखिए ये सीरीज है के फॉर कामा, यहाँ पर देख के फॉर कामा और उसका ये इंजन सीरीज नंबर है, और यहाँ पर बार कोड लगा है कामा का जी, ये दिख रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है किसान साथियों, अगर कामा ओरिजिनल होगा तो यहाँ बार कोड होगा, यानी बार कोड मतलब स्टिकर नहीं जी, बॉडी में ही बार कोड है, मतलब लोहे के ऊपर बार कोड है जी, ठीक है ना, यहाँ बार कोड होगा, इसको स्कैन करिए कामा ओरिजिनल है कि नहीं पता, यहाँ कागज लगा देते हैं, बोलते हैं इसको बार कोड, कागज लगा के उसमें बार कोड ओरिजिनल क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, ये देख लीजिए, ये देखिए किसान भाई पूरा स्कैन, अब आप बताइए सर प्लीज, बार कोड यहाँ पे ये दिख रहे हैं, जो भी लोग स्टिकर लगा देते हैं यहाँ पे स्टिकर नहीं, यहाँ पे आप देखिए पूरे इंजन में ही बार कोड है, बार कोड लगाया गया इंजन के बॉडी पे, जो कास्टिंग बॉडी है जी, ठीक है ना, अल्मोनियम कास्टिंग बॉडी है, उस बॉडी के अंदर बार कोड है जी, ये कागज यहाँ लगा देंगे बोलेंगे बार कोड है, वो डुप्लीकेट है साहब, बिल्कुल डुप्लीकेट, ओरिजिनल कामा होगा तो यहाँ बार कोड आएगा, विशेष ध्यान दीजिए ओरिजिनल कामा होगा तो। चलो ये 10 HP है, हम 12 HP का दिखा देते हैं आपको, 12 HP में सेम आएगा, सेम अभी ये 12 HP है, वो क्लियर करता हूँ किसानों को, हम यहाँ पर किसानों को बिल्कुल भी बरगलाते नहीं। ये देखिए किसान भाइयों, ये मैंने काफी जगहों पर वीडियो बनाने के, लेकिन ये बारकोड में काफी पहली बार ऐसा देख पा रहा हूँ कि ये इसके ऊपर ये कोई स्टिकर, सच बताना विपिन भाई, आज तक बारकोड आपने ऐसा देखा है? ऐसा बारकोड मैं पहली बार देख रहा हूँ, एकदम सच बता रहा हूँ सर जी। और यहाँ देखें के फिर 34 नंबर, ठीक है ना, यहाँ पर देखें कामा जी, खैर इतने तो डुप्लीकेट फर्जीवाड़ा चल रहा है विपिन भाई, ना साले वहां पे भी लिख देते हैं कामा, ठीक है ना, ये कामा है, ठीक है। और यहाँ बात करेंगे अपने, तो हम आपको सच बताएंगे जी, लेना ना लेना वो किसान की चॉइस है जी, वो कहाँ जाता है उसकी इच्छा, हम लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ कामा, फिर यहाँ पर जी 188 इंजन, ओरिजिनल इंजन 188 जी, 12 HP ओरिजिनल जिसे बोलते हैं जी, ठीक है, यहाँ पर सीरीज देख लीजिए, ठीक है, और बार कोड की जहां तक सवाल है उसको स्कैन कर लीजिए जी। और कामा अगर ओरिजिनल हमारा इंजन कोई भी नहीं निकलता है जी, तो हम कोई भी जुर्माना दंड दीजिए, हम लेने के लिए तैयार हैं, हम जो बोलेंगे वो सर। वो माइक्रोजेट है, माइक्रोजेट नहीं निकलता है, कोई भी जुर्माना दंड दीजिए, हमको स्वीकार है। कहने का मेरा तात्पर्य मीनिंग इतना ही है सर जी, कि हम जो चीजें बताएंगे आपको, जो चीजें दिखाएंगे बिल्कुल ही साफ होंगी। अब इसकी बात कर ले 12 HP की, 7.5 के बाद 12 पे आ जाइए, फिर बाद में 10 का बताते हैं। 12 HP ओरिजिनल कामा हैंडल बार जो होता है साहब ना, इसका थिकनेस देख लीजिए जी, थिकनेस यहाँ से मोटापा देख लीजिए, ये ओरिजिनल कामा का हैंडल है, ठीक है ना, वो कॉपी कर लेते हैं जी। गियर बॉक्स देख लीजिए ओरिजिनल कामा जी, गियर बॉक्स पे भी कामा, इंजन भी कामा जी, टोटल कामा जिसे बोलते हैं वो टोटल कामा है, ओरिजिनल कामा है, ओरिजिनल कामा हैंडल बार, डबल फेंडर ATV 1978 का ट्यूबलेस टायर है, अब मिट्टी लग गया है, टायर का गोटी क्लियर नहीं दिख रहा होगा जी, जी फोटो लगा देंगे देख लीजिएगा। 40 ब्लेड का भी भाई रोटावेटर, 5 फीट का रोटावेटर आएगा। सबसे खास बात, भारत में पहली बार आप गूगल कर लीजिएगा, आपके सभी मित्र हैं यूट्यूबर, किसी भी चैनल पे जी, भारत के किसी भी यूट्यूब चैनल पे या भारत में किसी भी कंपनी ने इजी टर्निंग और रिवर्स गियर लीवर यहाँ दिया हो तो हमको बता दीजिए, एक भी आपने देखा हो। रिवर्स गियर हाथ से दबा के लगाते हैं ऐसा नहीं, इसका गियर बॉक्स टोटल डिफरेंशियल गियर बॉक्स है इसका जी, इजी टर्निंग विद क्लच टाइप, यानी अगर हमको घुमाना है विपिन भाई तो यहाँ से हमको ये दबाना है इधर घूम जाएगा जी, ये क्लच दबाएंगे इधर घूम जाएगा, ये क्लच दबाएंगे इधर घूम जाएगा, मतलब यहाँ से उसको घुमाना है राइट लेफ्ट। अच्छा, ट्रॉली में चलाना हैवी लोड ट्रॉली में है, 10 क्विंटल ट्रॉली में लोड कर लीजिए, यहाँ से देखिए वहाँ नजदीक दिखा दीजिए, नजदीक यहाँ हम दबा रहे हैं, देखिए ये घूम रहा है जो ना, ये देख रहे हैं ना, ये है इजी टर्निंग, इधर का दबाया तो राइट घूमेगा, लेफ्ट दबाया तो ये लेफ्ट घूमेगा, देख लीजिए ये लेफ्ट घूमेगा, ठीक है ना जी। ये गियर बॉक्स ये लगे 3 लीटर 200 ग्राम इसमें गियर ऑयल आएगा साहब जी, गियर बॉक्स बड़ा होने के कारण इसमें हमने एंटी गियर लॉक सिस्टम दिया है, कि यहाँ से
गियर लगाएं तो इजीली लग जाए, क्योंकि गियर हैवी है बॉक्स, सीधा वाला डंडा कर दे देंगे तो ताकत बहुत लगेगी, ताकत बहुत इसमें लगेगी। तो उस तरीके डिजाइन किया कि गियर इजीली लग जाए। 36 एम्पियर, ठीक है ना, 36 एम्पियर की बैटरी के साथ में, ठीक है ना, टोटल कंप्लीट सेट, 1978 का टायर विथ इजी टर्निंग क्लच सिस्टम, गियर बॉक्स, कामा इंजन, कामा गियर बॉक्स, 40 ब्लेड, 5 फीट रोटावेटर के साथ में विद सेल्फ स्टार्ट विद बैटरी विद वाटर कैन बोतल। तो ये सिस्टम जो आप देख रहे हैं, इस सिस्टम के साथ में इस मॉडल को लाख रुपए तक भी लोग बेच देते हैं जी। लेकिन हम इसकी कीमत 95,000 रखे थे, 95 जी। लेकिन आप आए हैं, तो ये देखिए वाटर कैन बोतल ये आपको जी आएगा, ठीक है ना, ये दोनों मॉडल वाटर कैन बोतल आपको मिलेगा। तो ये सर जो है ना, ये मात्र आपको मात्र 85,000 में घर बैठे पहुंचा के दूंगा पूरे भारत में जी। 10,000 रुपए आपके आने के सम्मान में बिहार से चल के आए हैं जी। और मैं चाहता हूं किसानों को राहत पहुंचाना। हाँ। मतलब देखिए बिजनेस कर रहे हैं, कमाना तो सबको है विपिन भाई, ठीक है, क्योंकि हमारी फैक्ट्री में लाखों रुपए का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये खर्च, वो खर्च, 500 आदमी काम करें उनकी सैलरी, नौकरी, ये सारे खर्च होते हैं। देखिए किसान साथियों से मेरा निवेदन होता है, जैसे आपका खेत जो है आपकी खेती है फसल, वैसे ये मेरी खेती है, ये मेरी फसल है। आप खेतों में अनाज उपज करते हैं, हम अपने फैक्ट्रियों में मशीनों का उपज करते हैं, तो ये भी हमारी खेती है। जैसे आपको नुकसान हो जाए तो आप परेशान होते हैं, तो हमको नुकसान हो जाए तो हम भी परेशान हो जाते हैं, सेम बातें हैं। कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है कि मेरा व्यवसाय दाल में नमक बराबर होता है। लूटने घसुटने वाला काम कुछ नहीं, जो देंगे जेन्युइन चीजें देंगे और आपको एकदम बिल्कुल दावा करके देंगे, उसमें कोई झूठ नहीं होगा। 85,000 में 85,000 में हम घर पहुंचा देंगे भारत के किसी भी राज्य शहर में जी। विभिन्न आप 10 HP की बात कर लेते हैं, 10 horsepower 186 जी। और इसमें भी बार कोड, जैसा कि आपको बताया यहाँ देख लीजिए, बार कोड विद बॉडी में, ये आ ही नहीं सकता है डुप्लीकेट में, ये देखिए ये चक्करी है, अगर कामा वर्जिनल पकड़ना है तो ये देखना है सर, ये पकड़ना है किसानों को, ये देखना है, जूम करिए एक बार, किसान साथियों सीख लीजिए, ये देख रहे टंकी, हम बताते हो कहाँ देखना है आपको जी। टंकी है, इसके नीचे एस्केलेटर, गवर्नर कंट्रोल, उसके नीचे जब जहां से ऑयल निकालते हैं उसके जस्ट बगल में देखेंगे तो यहाँ पे बार कोड रहेगा और इधर देखेंगे तो सीरीज रहेगा जी। ये देखिए, ये कामा, अगर कोई बोलता है मेरा कामा है तो ये चेक करिए। कारण ऐसा है कि नहीं किसान जागरूक हुआ तो बेवकूफ बन ही जाएगा ना जी। और मैं गला फाड़ फाड़ के किसानों की सिर्फ मशीन खरीद ले कि नहीं, हमारे वीडियो इसलिए आपको देखना है क्योंकि आपको सीख लेनी है जी, कहीं फंसने से बचना है तो हमारा वीडियो देखना है, सीधी बात। अब इसकी बात करें सर, सेम सिस्टम है, 1978 का ATV टायर लगा हुआ है, इसमें ट्यूबलेस टायर है, 40 ब्लेड का, 4.5 फीट का रोटावेटर आएगा इसमें, क्योंकि ये 10 HP है जी। और यहाँ देखेंगे डबल फेंडर आ जाएगा, 36 एम्पियर के बैटरी, ओरिजिनल कामा इंजन, छाती ठोक के कलर कामा, अगर ओरिजिनल होगा तो सामने का फ्रंट कलर गोल्डन ही होगा, बार कोड उसके ऊपर लगा, हाँ जी। कागज नहीं है, कागज स्टीकर बार कोड नहीं चलता है। और गियर की बात करें तो वही सीधा गियर यहाँ से रिवर्स लगेगा और फॉरवर्ड गियर भी यहाँ से लगेगा, ठीक है, रिवर्स गियर यहाँ से लगेगा, फॉरवर्ड गियर यहाँ से लगेगा, हाथ हाथ से दबाने वाला सिस्टम नहीं साहब, रीपर लगाइए जगह पे घुमाइए, हाँ बिल्कुल जगह पे घूमेगा। एक लाइट यहाँ पे दिया है दोनों मॉडल में जी, यहाँ पे लाइट दिया हुआ है, टॉर्च निकाल कर आप काम करके वापस यहाँ लगा दीजिए, बाकी हेडलाइट तो चार जो है 16 LED लाइट्स के साथ में ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, ठीक है ना, पूरा कार के जैसा लाइट रोड पे पड़ता है, नो डाउट। कामा हैंडल ओरिजिनल कामा गियर बॉक्स यहाँ दिखा दीजिए, इसमें भी कामा ओरिजिनल गियर बॉक्स है, उस साइड से दिखा दीजिए भाई, आप कैमरामैन खुद ही दिखा दीजिए, बार बार मैं क्या बताऊं आपको जी। स्टेनलेस स्टील PTO के साथ में इजी टर्निंग गियर बॉक्स, गियर बॉक्स इजी टर्निंग है, व्हील में इजी टर्निंग, यहाँ देखिए इसमें भी सेम 10 HP में जी। जरा वहां दिखा दीजिए, घुमाने के लिए क्या करना है, राइट दाहिना घुमाना है तो ये दाहिना क्लच दबाना है सर जी, दाहिना घुमाना है तो दाहिना क्लच दबाएंगे, ठीक है, बायां घुमाना है तो बायां क्लच दबाएंगे, ठीक है, वीडियो में क्लियर दिख रहा है, जगह पे घूम जाएगा, कोई ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 4.5 फीट का रोटावेटर, उसमें 5 फीट का रोटावेटर, तमाम प्रकार के सुविधाओं से लैस, 36 एम्पियर बैटरी के साथ में विद सेल्फ स्टार्ट, ओरिजिनल कामा 10 HP, ओरिजिनल कामा 12 HP, ठीक है ना, ये 80,000 में घर बैठे मिलेगा और 85,000 घर बैठे मिलेगा, इसकी बात करें घर बैठे ये 60,000 मिलेगा। रीपर अटैचमेंट के साथ लेंगे विपिन भाई तो इसमें आपको 1,05,000 देना होगा, हम जो रीपर देंगे उसका जो गियर बॉक्स रीपर में है वो हाई कार्बन का बना हुआ गियर बॉक्स, जापानीज गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया रीपर में, वो हम केवल गियर बॉक्स ही इंपोर्ट करते हैं जी। क्योंकि रीपर का वजन अगर बढ़ता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि बैलेंस जो है वो मायने रखता है रीपर में, तो रीपर अटैचमेंट इसमें जो लगता है वो अलग टाइप का लगता है, कोई भी रीपर अटैचमेंट वो वीडियो बनाने के लिए चल जाएगा, आपको कंटिन्यू काम नहीं दे सकता किसानों। तो ये तीन मॉडल्स आप अभी हाल फिलहाल लॉन्च किए हैं, सारा जो है सब कुछ बता दिया, और आपके आने के उपलक्ष्य में हम सभी मशीनों पे आप खुद समझ रहे होंगे हमने अपनी तरफ से बेस्ट करके दिया है,
सर आपने जो सच्चाई बताया ना इंजन की पहचान करने की, ये तो बार कोड की बात तो मैं पहली बार आज देखा हूँ ऐसा कि सर शुरू से उसके ऊपर ही लगा देना स्टिकर वगैरह का कोई झंझट। कामा देखिए आपको व्यूअर को बता दूं, कामा इंजन शुरू से वहीं पे बार कोड आता है, किसी को पता नहीं है बात। आज ये बात आपने खुलासा कर दिया किसान भाई। हमने बहुत ऐसा नहीं है, देखिए हमारा काम क्या है, हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर हम इनको माल देते हैं, हम जस्ट क्योंकि कुछ डीलर ऐसी बदमाशी बदतमीजियां करना शुरू कर दिए हैं, उनको सस्ता चाहिए, मतलब कचरा लाओ दो उनको डबल तिबल चार गुना कमाना है, तो ऐसे डीलरों को मैं साइड में कर दिया जी। मैं मेरे क्वालिटी से कोई समझौता नहीं कर सकता, नहीं डीलर लेगा कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट किसानों को देंगे बेनिफिट पहुंचाएंगे, डायरेक्ट किसान को बचाए, इसीलिए हम फील्ड में उतरे। बाकी कंपनी 1999 से कॉर्पोरेट है और एग्रीकल्चर में 2008 से रेगुलर हाईटेक मशीनों को सप्लाई दे रहा हूं ऑल ओवर इंडिया डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को। डायरेक्ट किसानों के सामने इसलिए नहीं आया कि डीलर ढंग से काम कर रहे थे, अब उनको चाइनीज मशीनों का चस्का लग गया है कि चाइनीज मशीन लाओ आधे रेट में लाओ और तीन गुना ज्यादा बेचो। तो ऐसे डीलर को मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं भैया जयराम जी अपने घर रहो, हम किसानों से डायरेक्ट संवाद करेंगे, ट्रांसपोर्ट सर्विस ही है, टाइप किया चार ट्रांसपोर्ट कंपनियों से, घर बैठे किसी भी गांव देहात में एकदम अंदर घर मकान हो जंगल में वहां पहुंचा देंगे मशीन। किसान भाई आप भी चाहते हैं सभी किसान भाई को जागरूक करना, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि इस वीडियो में ना जो आपको पूरे सच की खुलासा की गई है और सभी किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर। और विपिन भाई एक एक आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा, मशीन को कोई भी मशीन को मंगवाने के लिए ठीक है ना हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आपके चैनल का स्क्रीन शॉट लेंगे वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि हमने जो डिस्काउंट दिया है ये डिस्काउंट नवरात्रि तक चलेगा ठीक है ना। अब ये 60,000 में मिलेगा नवरात्रि तक, ये आपको हमने बोला 10 HP कामा, ये 80,000 में, 12 HP कामा 85,000 में, रीपर के साथ में 7.5 HP माइक्रोजेट लेंगे तो वो 1,05,000 में, ये सिर्फ आपके चैनल के ऊपर हमने ये डिस्काउंट दिया हुआ है आपके लिए। तो इसके लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे नंबर पे आप जो भी नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, खास करके कॉल नहीं भी करें, डायरेक्ट सभी जितने नंबर दिख रहे हैं वो सब पे व्हाट्सअप है, उस नंबर को सेव करके व्हाट्सअप हाई करिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको टोटल पूरी जानकारी मिल जाएगी। मशीन को मंगवाने के लिए मात्र 5,000 एडवांस बुकिंग है, बाकी पैसा मशीन जब आपके यहाँ पहुंच जाएगी तब देना है जी। बस धन्यवाद आपको किसान भाई, इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी किसान भाई तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।